एक ईयर की मेडिकल स्टूडेंट और वन ईयर हमारा इंटर्नशिप हुआ है, और उससे जो आज हमारा टॉपिक है उसके हिसाब से मैं 11 मंथ ओल्ड बेबी की माँ भी हूँ। तो मैं मेरा टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, तो इसका शायद मैं जो अपनी बात बताऊँगी तो शायद आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सकें, क्योंकि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ साथ एक माँ भी चलेगा ना। ब्रेस्ट फीडिंग इतनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, वो आज बताने वाली हूँ। तो ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसा है कि कुदरत की तरफ से एक माँ को वरदान मिला है कि तुम अपने बच्चों से कितना करीब हो सकती हो। आपके बच्चे आपकी बातें आपको समझे, आपकी फीलिंग को समझे, आपकी कदर करे, ये एक तोहफा है माँ के लिए कुदरत की तरफ से। तो जब हम बच्चे को सबसे पहले तो जब बच्चे को हम ब्रेस्ट फीड करते रहें अपने सीने से लगाएं, तो उस वक्त हमें दुनिया के बारे में कुछ नहीं सोचना, क्योंकि जब बच्चा हमारे करीब आता है जिसको ममता कहते हैं, उसको केमिकली हम लोग कहते हैं प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है, हार्मोन होता है जो एक माँ की तरफ से बच्चे के लिए रिलीज होता है और एक बच्चे से भी रिलीज होता है। तो ये दोनों का जो बॉन्डिंग बनता है वो बहुत ही मजबूत, और वो कहते हैं एक लकड़ी टूट जाती है मगर बहुत सारी गठर को ये सब करेंगे तो वो कभी नहीं टूटती है। तो जब हम दोनों केमिकल को एक साथ बनाएंगे, यानी जब बच्चा फीड कर रहा है ब्रेस्ट से और बच्चे से जो रिलीज हो रहा हार्मोन, और सेम टाइम में अगर माँ का भी वही हार्मोन रिलीज हो, ब्रेस्ट फीड के टाइम में माँ क्या सोचती है, फलां को क्या हो गया, मुझे चूल्हा पे क्या चढ़ाना है, मुझे खाना क्या पकाना है, ये सब सोचती रहती है, तो वो हार्मोन रिलीज नहीं हो पाता, तो वो बॉन्डिंग कमज़ोर होती है, वो टूट जाती है। बच्चे जब बड़े होते हैं तो बोलते हैं मैंने तो ब्रेस्ट फीड किया था फिर भी हमारे बच्चा बात नहीं सुनता, हमको नहीं समझता है, कुछ भी बोल देता है। क्योंकि जब वो कच्ची मिट्टी थी, यानी जब हमारे गोद में बच्चा था उस वक्त हमने उसे बॉन्डिंग नहीं बनाया, हमने उस वक्त कुछ और किया। बच्चा तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि कुदरत के बच्चा छोटा सा था वो पूरे कुदरत के इसमें होता है ना, उसका पूरा कुदरती हार्मोन होता है। वो एक टाइम में एक ही चीज़ सोच रहा था कि मुझे भूख लगी है, मैं फीड कर रहा हूँ, मैं अपने माँ के पास हूँ, और वो माँ के बारे में सोचता रहता है कि मेरी माँ है, दूध दे रही है, यही एक चीज़ है जो मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। पर माँ क्या कर रही है दूध पिलाते वक्त में, वो ये सोचती रहती है मुझे फलां जगह जाना है, मुझे शॉपिंग करना है, मुझे मतलब पूरा दुनियादारी बच्चे को छोड़ के वो सब कुछ सोच रही है। तो उस वक्त जो हमारा जो प्रोलैक्टिन जो जाकर रिलीज हो रहा है और ऑक्सीटोसिन जो बन रहा है, ये जो हमारा बॉन्डिंग बन रहा है इसको हम वीक कर रहे हैं, बच्चे और माँ के बीच को हम माँ ही होते हैं जो इसको तोड़ रहे हैं कि तुम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना दो। और फिर कुछ लोग कंप्लेन करेंगे कि भाई मेरा बच्चा से बॉन्डिंग ही नहीं बन रहा है। पहला प्रॉब्लम बॉन्डिंग नहीं होने का ये है कि हमको जब फीड करें तो एक साथ रहें। दूसरा हमारा ये है कि इससे कई सारे फायदे हैं जो बच्चे के लिए भी है माँ के लिए भी है। माँ के लिए क्या क्या फायदे हैं पहले बता दें। माँ के लिए ये फायदे हैं कि जब माँ ब्रेस्ट फीड करती है तो माँ को पहले तो जो गेन की है वेट वो लॉस होता है, दूसरा जो ओवरी होता है वो भी जल्दी सिकुड़ता है, उसमें टाइम नहीं लगता है। जो डिलीवरी जो वो कंसीव की थी, यानी जब से वो गुड न्यूज़ सुनी तब से लेकर के जब तक डिलीवरी की, उसमें जितने भी इंजरी हुई जितने भी साइड इफेक्ट हुए उस जब वो हील करने में काफ़ी मदद करता है ब्रेस्ट फीडिंग। तीसरा ये फायदा होता है कि उसको मेंटली सुकून मिलता है, पीस मिलता है। चौथा उसे ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम होते हैं, उसको माइग्रेन के चांसेस कम हो जाते हैं, उसको मोटापे के चांसेस कम हो जाते हैं, डायबिटिक 1 और डायबिटिक 2 जो आजकल बहुत है उसके हो जाते हैं, अर्थराइटिस के प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं ब्रेस्ट फीड करने से, क्योंकि इनके सारे जो हार्मोन जो होते हैं वो बैलेंस होते रहते हैं ड्यूरिंग फीडिंग के टाइम में। इसलिए फीडिंग एक वरदान इसीलिए कहा गया। बच्चे में क्या क्या इसके फायदे हैं, बच्चे को डायरिया नहीं होगा ब्रेस्ट फीड करेगा, उसे किसी तरीके का एलर्जी नहीं होगा जल्दी, इन्फेक्शन कहते हैं कि कहीं बाहर का तुरंत एलर्जी लेके चला, इन्फेक्शन लेकर सर्दी खांसी होगा, इस तरह की चीज़ों से वो बच्चे बचे रहेंगे। तीसरा है कि माँ को अब क्या है बोतल की फीडिंग क्या है, हम ब्रेस्ट फीड ना करके बोतल से फीड करते हैं राइट, तो बोतल को वॉश करना और स्टरलाइज करना एक बहुत बड़ा टास्क है। फिर वो एक कॉस्ट
मतलब कॉस्ट इफेक्टिव होती है, हमारे बहुत सारे पैसे जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक बोतल लिया और उसे पिलाते चले गए, नहीं, अगर हम एक बार एक बोतल से पिलाए उसके बाद उसे हमें दोबारा नहीं टच करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया उसमें आ जाती है। और वो बच्चे को देते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसको दूध ना डाल के उसके मुंह में हम क्या डालते रहते हैं, बीमारियों का खजाना डालते हैं बच्चों में। तो हमें उसे धोना है, फिर स्टरलाइज करना है, और बहुत सारे इतनी मेहनत होती है उसमें। ब्रेस्ट में क्या है, आप सीधा खोला और पिला दिया और इतना सारा चीज आपका बॉन्डिंग बन गया और ये हो गया। दूसरी बात है कि जो दूध हम बाहर से पिला रहे हैं पाउडर वाला मिल्क, उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं बहुत सारे। उसको जैसे मैं इसको इस तरह समझा सकती हूँ कि अगर हम बाहर से दूध लेकर के आते हैं तो उसमें तो एक बच्चे, मेरे बच्चे को क्या चाहिए वो एक माँ को पता है, माँ की बॉडी को पता है, पर कंपनी वाले एक ही उसको बाहर के दूध को हमें कहते हैं फार्मूला मिल्क भी, वो एक ही फार्मूला पे बना होता है। बच्चे के नीड के हिसाब से हर बच्चे की ज़रूरतें अलग होती हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से फार्मूला वो मिल्क नहीं बना होता है कि हमारी बच्चे की जरूरत क्या है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटापा होता है, देख लेते हो इस दूध को पीने से बच्चे मोटे हो रहे हैं, तो मोटापा वो ऐसा ही हो गया कि बाहर से हमने सुंदर कपड़ा तो पहन लिया मगर बदन में बहुत सारी बीमारियाँ पनप रही हैं। तो हम कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि हम अपने बच्चे को इतने हार्मफुल चीज़ को हम उसको दें, इंट्रोड्यूस करें उसको इतने हार्मफुल चीज़ों से, तो इससे बचना है हमें। दूसरा ये है कि वो एक मेहनत का भी काम है, बहुत ही हर एक, जैसे हमारा जब कभी ऑपरेशन होता है, जब हमारे बॉडी में कुछ जाता है उससे पहले डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक जो हमारा फर्स्ट कपड़ा होता है ना उसको भी हटा देते हैं, दूसरे कपड़े को डालते हैं कि इसके बॉडी में कहीं वो चला ना जाए, ठीक है। तो माँ तो डॉक्टर से कहीं 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 ज़्यादा प्यार करती है, वो कैसे बोतल से लेके बच्चे को मुँह में डाली इतने सारी बीमारियाँ, तभी कर सकती है। और तीसरा ये है कि जो माँ है जब वो ब्रेस्ट फीड करती है तो सॉरी